वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच क्लास 10 बुक प्रिंट विदाउट प्रिंट चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। डियर स्टूडेंट्स, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी written by Jennings, and let me tell you dear students, I have explained this chapter in 2 videos so far, and some part that is remained to be explained, and that part is to be explained today. So मैं ऐसे students को suggest करना चाहता हूँ कि जिसने previous video को नहीं देखा है वे अवश्य ही देख लें और उसके बाद आज का video देखें ताकि आपको अच्छी तरह से story समझ में आ सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखो मेरा ये जो हाइलाइटेड है ना, यहाँ पर यहाँ से आज स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हॉरेस डेनबी उस स्ट्रेंज लेडी की तरफ अपना सिगरेट लाइटर बढ़ा देता है, वह भी दोनों ग्लव्स हाथों से निकाल कर। अब ग्लव्स निकालने का क्या परिणाम होगा आपको स्टोरी के अंत में पता चले। तो चलिए अब देखिए क्या कह रही है वह लेडी। यू विल, पर ये हॉरेस डेनबी कह रहा है उस लेडी को, यू विल लेट मी गो, यानी क्वेश्चन मार्क है डियर स्टूडेंट। तो ऐसे तो ये सेंटेंस असर्टिव है, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। यू विल लेट मी गो मतलब हुआ आप मुझे जाने देंगे ना। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, और हॉरेस डेनबी ने लाइटर उसकी तरफ पढ़ा दिया, यानी उस लेडी की तरफ। अब लेडी क्या कहती है, यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी। कहा अवश्य, हाँ, बट ओनली इफ, लेकिन सिर्फ तभी, ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, तू मेरे लिए कुछ करेगा तो। तो हॉरेस कहता है एनीथिंग यू से, यानी आप जो कहें मैं करने को तैयार हूं। अब देखिए वह लेडी क्या कह रही है, बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक। यानी वह लेडी अपने आप को इस तरह पोज कर रही है कि वह उस घर की मालकिन है, और क्या कहती है, बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, वी मतलब का पूरा परिवार, यानी लेडी कह रही है कि हम लोग लंदन जाने से पहले, आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड, मैंने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, कि मैं अपने जितने भी गहने हैं, जेवरात हैं, उन्हें मैं अपने बैंक ले जाऊं, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैंने उसे यहीं छोड़ दिया, यानी उन ज्वेल्स को, गहनों को मैंने यहीं छोड़ दिया इन द सेफ, उसी सेफ के अंदर। आई वॉन्ट टू वेयर देम टू अ पार्टी टू नाइट, क्यों छोड़ा,
आज रात की पार्टी में मैं उन्हें पहनने वाली थी, मैं पहनना चाहती थी। तो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं नीचे आई उन्हें लेने को। बट, अब बट कह करके लेडी जो है पॉज कर देती है, थोड़ा सा वह स्टॉप हो जाती है। तो बीच में हॉरिस स्माइल्ड, हॉरिस मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू। तो हॉरिस बीच में बोल पड़ता है बट के बाद कि लेकिन आपने इस सेफ को खोलने के लिए जो नंबर होता है, यानी चाबी का जो नंबर है, वह भूल गया है ना, हैवंट यू। ये क्वेश्चन टैग है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी वह लेडी को पूछ रहा है हॉरिस कि आपने जो चाबी का नंबर है उसे भुला दिया है या भूल चुकी हैं आप, यही बात है ना। तो लेडी कहती है यस, रिप्लाइड द यंग लेडी। वह यंग लेडी ने जवाब दिया, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर। तो हॉरिस कहता है बस लीव इट टू मी, इस काम को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, और आपको वे मिल जाएंगे, देम देम मीन्स ज्वेल्स, विद इन एन आवर यानी एक घंटे के भीतर। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे आपका सेफ तोड़ना पड़ेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो लेडी कहती है इसकी परवाह मत कर, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर ए मंथ, मेरे पतिदेव यहां महीने भर नहीं आएंगे, एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम, और तब तक मैं इस सेफ की मरम्मत करवा लूंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, एंड विद इन एन आवर, और फिर कहता है घंटे भर के भीतर, और इस हैड ओपेंड द सेफ, और इस ओपन कर चुका था सेफ को, खोल चुका था, गिवन हर द ज्वेल्स, गहने सारे उसे दे चुका था, एंड गोन हैप्पीली अवे, और आराम से वहां से जा चुका था हॉरिस, यानी सेफ खोल दिया, सारे गहने उस लेडी को दे दिया, और खुशी खुशी हॉरिस वहां से जा चुका था। फॉर टू डेज ही कैप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। दो दिनों तक तो कहता है अपने प्रॉमिस को उसने निभाया, कौन सा प्रॉमिस, जो उसने यंग लेडी को दिया था, जो उनके लिए काइंड भी थी यानी दयालु थी, उस लेडी ने छोड़ दिया उसको, यानी पुलिस के हवाले उसे नहीं किया, ठीक है। तो हॉरिस के लिए तो वह दयालु थी, चलिए देखते हैं कितनी दयालु थी वह। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड, एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर से। और उसके बाद जो है कहता है तीसरे दिन की सुबह सुबह, ठीक है, ही थॉट ऑफ द बुक्स, अब वह उन किताबों के लिए सोचने लगा, ही वांटेड जो वह चाहता था, एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और मालूम था उसे कि अब कोई दूसरा सेफ जो है, दूसरा बक्सा, दूसरी तिजोरी उसे ढूंढनी पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन राइटर कहते हैं कि भाई उनको अपनी योजना बनाने का, यानी अपने मंसूबे में कामयाब होने का कभी चांस नहीं मिला, मौका नहीं मिला। क्यों? बाय नून अ पुलिसमैन एंड हैड अरेस्टेड हिम,
दोपहर होते होते कोई पुलिस वाला उन्हें गिरफ्तार कर चुका था फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉट ओवर ग्रेंज। क्यों गिरफ्तार किया? शॉट ओवर ग्रेंज में ज्वेल रॉबरी के लिए, ठीक है, यानी वह जो है पकड़ा गया शॉट ओवर ग्रेंज में जो उन्होंने डाका डाला था, ठीक है। हालांकि डाका डालना इसलिए कह रहे हैं कि सेफ तो उसी ने खोला भले ही ज्वेल उसने नहीं लिया, ठीक है। तो पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। हिज फिंगर प्रिंट्स फॉर ही हैड ओपेंड द सेफ विदाउट ग्लव्स वेयर ऑल ओवर द रूम। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, पुलिस को कैसे पता चला? हालांकि उस लेडी ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था, ठीक है। वह अपनी गलती से पकड़ा गया क्योंकि उनका फिंगरप्रिंट्स जो है, क्योंकि उसने बिना ग्लव्स का ही सेफ को खोला था, तो उनका फिंगरप्रिंट्स कहता है ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। यानी जब वह कहने लगा कि इस घर के मालिक की पत्नी ने मुझे सेफ खोलने को कहा था, ठीक है, इस बात पर भला कौन यकीन करता, क्योंकि वह तो कोई और लेडी थी, वह तो ऑनर की वाइफ थी नहीं। द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर, देख लीजिए वाइफ कौन है, एक भूरे बालों वाली महिला थी, शार्प टंग वुमेन ऑफ 60, देख लो, बहुत तेज तर्रार जुबान वाली औरत और 60 साल की दीवार। और आपने पढ़ा हुआ जो यंग वुमेन थी ना, वो तो यंग राइटर बता रहा, यंग वुमेन थी वो, तो भाई ये तो 60 की है जो असली मालकिन है, ठीक है। Said that the story was nonsense, तो उसकी पत्नी जो रियल में थी वह कहती है यह कहानी तो बकवास है, फालतू है, nonsense है। Horace is now the assistant librarian in the prison. अब Horace जेल के अंदर है और एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना हुआ है, एक जो है सहायक लाइब्रेरियन। He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was. अब वह अक्सर सोचता रहता है उस खूबसूरत, चालाक और जवान लेडी के बारे में जिसने, जो खुद भी उसी धंधे में थी जिस धंधे में वह है। And who tricked him, और जिसने उसके साथ छल किया, ठीक है। He gets very angry when anyone talks about honor among thieves, और जब कोई बातें करता है उनसे honor among thieves, कि चोरों में भी सम्मान का भाव होता है, यानी एक चोर दूसरे चोर का सम्मान किया करता है, तो भाई उसे काफी गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि उस लेडी ने उसका सम्मान नहीं किया, उनके साथ तो ट्रिक कर गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था कहानी, ये पूरी कहानी जो है आज समाप्त हो गई। उम्मीद है आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। एक बार वीडियो को नहीं तो पुनः देख लेना, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कहानी। और डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं जो है इसका क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊँगा बहुत जल्द। तो आज इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।